तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फ़ोटो सही नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे जाना है शादी में। तो ये देखिए, वहाँ पे बांटा जा रहा है बीरा दूल्हे को मारने के लिए, और बारातियों को गेहूँ बांटा जा रहा है थाली में लेके, जो है चाची जी बांट रही हैं, सभी औरतों को दे रही हैं। ये देखिए इस तरीके से, अभी जब आएगा दूल्हा उसको सभी लोग मारेंगे। ये देखिए आप लोग, मुझे भी मिलेगा, मैं भी हाथ फैलाए बैठी हूँ कब से। ये देखो मिल गया। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ऐसे होता है कुछ, मेरे गांव में इस तरीके से होती हैं शादियाँ। और जो है फ्रेंड्स, बराती लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ क्योंकि गाना बज रहा था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। ये देखिए आप लोग, और इधर जो है डांस कर रहे हैं जो आते हैं ढोल नगाड़े के साथ, तो देखो कितना अच्छा डांस कर रहा है। और मैंने सोचा रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जितना हो सका मैं उतना रिकॉर्ड की हूँ, सारा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे मैं हम दोनों फोटो ले रहे हैं लेकिन जो है नहीं, मेरी साइड में नहीं देख रहा, भाव मार रहा है। ये देखिए आप लोग, और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब जा रहे हैं लावा लेने सभी लोग। और कुछ रिवाज होता मेरे यहाँ, तो वहाँ लावा जान ले रहे थे, बहुत अंधेरा था तो मैं उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। उसके साइड में डांस हो रहा था तो मैं उसको रिकॉर्ड की हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग, ये देखो बहन जी कितना सारा सिर में लगा रखी हैं। ये देखिए मैं, आप फिर लो, हम लोग आ गए हैं वापस जो है द्वार पे। वहाँ की लाइटें सजावटें कुछ इस तरीके से, और जो है यहाँ पे लविस को मिल गई है मिठाई। ये सोच रहा कितनी जल्दी खाऊं और कितनी जल्दी मुंह में जाए। फिर उसके बाद खाना मिल गया है इतना सारा, ढेर सारा, और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चली हूँ फटाफट, झटपट बनने वाली रोटी और टेस्टी। और जो है रोटी इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इधर है, मैं आटा लगा ली हूँ, सूखा आटा है, इधर तवा भी गर्म हो रहा है, चकला बेलन भी है। अभी सरसों का तेल नहीं ली हूँ, ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं जो रोटी बनाऊँगी बहुत ही जल्दी होने वाला और बहुत झटपट बनने वाला। छोटा छोटा लोइयों में तोड़ लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखो एक साइज़ की लोइयाँ दो बनाऊँगी मैं इस तरीके से। इसी साइज़ की एक और बना लेती हूँ, ये देखिए दो बना लेती हूँ इसी साइज़ की। और फिर हम जो है प्रेस कर देंगे इसको हाथ से दोनों को, और जो है बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसको आप दाल से, सब्जी से, चावल से खा सकते हैं, दाल सब्जी चावल कुछ भी, बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरा पराठे वाला टेस्ट आता है इसमें और जल्दी भी बन जाता है। तो झटपट बनना हो तो इस तरीके से आप लोग बना ले सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो हम जो है इसको प्रेस कर लिए हैं हाथ से फ्रेंड्स, लोइयों को। ये देखिए बड़ा कर ली हूँ हाथ से प्रेस प्रेस करके। और जो है अब मैं इसमें ऑयल लगा लेती हूँ। मैं सरसों का तेल ली हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो। मेरे पास घी नहीं है ना रिफाइंड ऑयल है, तो मैं जो है सरसों का तेल लगा रही हूँ। अच्छे से लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी नहीं तो जो है फैल जाएगा तेल। तो अब मैं इसको अच्छे से दोनों को एक पे चिपका लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से चिपकाएंगे, नहीं तो जो है निकल जाएगा। अच्छे से प्रेस करके जो है इसको एक दूसरे को चिपका लेंगे। फिर इसमें हम लगाएंगे सूखा आटा फ्रेंड्स। आप ऐसे भी बेल सकते हो, आपकी मर्ज़ी सूखा आटा लगा सकते हो, तो मैं सूखा आटा लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अब इसको बेल लेती हूँ। ये देखिए अब लविस रिकॉर्ड कर रहा है, मैं बेल रही हूँ। ये देखो उलट पलट कर हम बेल लेंगे इसको, ताकि इसका साइज़ जो है दोनों का बराबर रहे, नहीं तो एक छोटा हो जाता है एक बड़ा हो जाता है। तो हम इसको उलट पलट के दोनों को बेल लेते हैं एक साइज़ में। ये देखिए ऐसे ही इधर बेलेंगे, फिर उस साइड बेलेंगे, इधर बेलेंगे, उस साइड बेलेंगे। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम इसको बेल लेते हैं, और जो है इसमें उसके बाद हम ऑयल लगा लेंगे बेलने के बाद ऊपर। आप चाहें तो ऑयल ना भी लगाएं, चाहें तो लगा सकते हैं, तो मैं लगा लूँगी। और ये देखिए बेल ली हूँ फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ये देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, मैं सरसों का तेल ले ली हूँ और जो है इसमें मैं लगा लेती हूँ। फिर मैं इसको तवा पे डाल दूँगी फ्रेंड्स। रोटी को धोती भी बोलते हैं मेरे यहाँ, मेरे गांव में इसको धोती बोलते हैं। अगर आपको पता हो आप इसका नाम तो प्लीज़ आपके यहाँ क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे यहाँ इसको धोती बोलते हैं। तो मैं डाल दी हूँ रोटी को उस पर।
तवा पे, और जो है बना लेती हूँ उसको उलट पलट के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम उलट देते हैं, थोड़ा सा उस साइड हो जाए तो जो है इसको हम दूसरी साइड उलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हो गया है इतना 50%, तो हम इसको उलट दिए हैं फ्रेंड्स। हम उलट पलट के इसको उबाल लेते हैं। अब इसमें ऊपर से तेल लगा देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और जो है तो ये देखिए आप लोग, अब इसको हम निकाल लिए हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है आराम से, ये देख सकते हैं आप लोग, निकाल दी हूँ अभी बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दूसरी रोटी भी बन के तैयार हो गई है। देख सकते हैं कितने आराम से निकल रही है। ये देखिए आप लोग फ्रेंड्स, बहुत अच्छी और टेस्टी होती है, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और जो है ये देखिए फाइनली मेरी सारी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब